एक तरफ जहां यमन के हूती ने इसराइल के तेल अविव में ड्रोन अटैक करके नेतन्याहू को बड़ा दर्द देने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका घाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और वो समूचे उत्तरी इसराइल को अपनी चपेट में ले रहा है। हिजबुल्ला के हमलों ने उत्तरी इसराइल को एक वीरान खंडहर में तब्दील कर दिया है और पूरे 24 घंटे हिजबुल्ला के ड्रोन इस इलाके में मंडरा रहे हैं और जैसे ही इजरायली सेना इस इलाके में कोई हलचल करती हुई दिखाई देती है वैसे ही हिजबुल्ला के ये ड्रोन उसके ऊपर आग बरसाने लगते हैं। और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल को दहला कर रख दिया है। हिजबुल्ला ने सिलसिलेवार तरीके से इसराइल की कई सैन्य चौकियों पर बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 18 जुलाई को 2:44 पर हादाब यारीन साइट पर IDF द्वारा हाल ही में लगाए गए जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया गया और इसके ठीक बाद मैतुला सेटलमेंट पर भी IDF के कई जासूसी उपकरणों को उड़ा दिया गया। यहाँ पर हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है जो सीधे IDF के बेस पर जाकर लगी। और इस हमले के बाद 4:02 के आसपास हिजबुल्ला ने बिरकत रेशा और अल राहेब सैन्य चौकियों पर बुरकान रॉकेट की झड़ी लगा दी जिसकी वजह से इन दोनों ही चौकियों पर आग लग गई। इन हमलों के बीच हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने कफार चौबा हिल्स और रुईसत अल आलाम साइट पर रॉकेटों से हमला किया है, साथ ही हादाब यारीन साइट पर एक एंटी टैंक मिसाइल से मेरकावा टैंक को भी उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल को सबसे बड़ा झटका फाइलॉन बेस पर लगा जहां पर अभी तक हिजबुल्ला ने हमला नहीं किया था, लेकिन इस बार हिजबुल्ला ने ड्रोन का एक पूरा जत्था इस बेस पर दाग दिया जिसकी वजह से फाइलॉन बेस पर IDF को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि फाइलॉन बेस पर IDF की 210वीं ब्रिगेड का हेडक्वार्टर और वेयरहाउस है। हिजबुल्ला का कहना है कि फाइलॉन बेस पर IDF ने पोजीशन ले रखी थी और यहां पर कई अधिकारी और सैनिक भी तैनात थे। हालांकि इस हमले में IDF को कितना नुकसान हुआ है इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हिजबुल्ला ने ये जरूर कहा है कि उसके इस हमले ने अपने टारगेट को हासिल किया है। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने अलमाजर साइट पर भी बुरकन रॉकेट से सीधा हमला किया और जैसे ही ये हमला हुआ इसके ठीक बाद यारा सेटलमेंट में IDF द्वारा बनाए गए वेस्टर्न ब्रिगेड के नए हेडक्वार्टर पर भी हिजबुल्ला ने कई ड्रोन अटैक किए। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इस हमले में इजरायली पोजीशन और अधिकारियों को निशाना बनाया। वहीं इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि रोश पीना और हाजोर हगलीलित सेटलमेंट पर दो हवाई टारगेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जिसकी वजह से मैतुला समेत इन इलाकों में आग लग गई।